नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की उदया तिथि प्रतिपदा और मंगलवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज दोपहर 2:56 तक रहेगी, उसके बाद द्वितीय तिथि लग जाएगी। आज रात 10:17 तक ध्रुव योग रहेगा, साथ ही आज द्विपुष्कर योग रहेगा। इसके अलावा आज दोपहर 1:34 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। बीती रात 3:06 पर बुध मेष राशि में जा चुके हैं, गोचर कर चुके हैं। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यायी जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 28 मार्च की सुबह 5:56 से शाम 6:38 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 29 मार्च की रात 8:36 से अगली सुबह 5:55 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 27 मार्च को सुबह 7:10 से दोपहर 12:55 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त अगले महीने 10 अप्रैल की सुबह 9:46 से दोपहर 2:21 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 4 अप्रैल की शाम 4:14 से शाम 7:18 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 27 मार्च की सुबह 7:40 से दोपहर 1:25 तक रहेगा, और एक बार फिर शाम 3:46 से रात 10:39 तक भी रहेगा। सीजीरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त दोपहर 2:56 से शाम 7:53 तक रहेगा, और एक बार फिर रात 10:13 से भोर 5:45 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 27 मार्च की सुबह 9:36 से दोपहर 12:55 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 27 मार्च की सुबह 7:10 से दोपहर 12:55 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय 30 मार्च की देर रात 3:41 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 पहले और 12 बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं।
आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:31 से शाम 5:03 तक, मुंबई दोपहर बाद 3:47 से शाम 5:19 तक, चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:32 से शाम 5:04 तक, लखनऊ दोपहर बाद 3:16 से शाम 4:48 तक, भोपाल दोपहर बाद 3:29 से शाम 5:01 तक, कोलकाता दोपहर 2:46 से शाम 4:17 तक, अहमदाबाद दोपहर बाद 3:48 से शाम 5:20 तक, और चेन्नई में राहुकाल होगा आज शाम 5:17 से शाम 4:49 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात, रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। अकारण शुरू हुई बाधाओं का अंत अपने आप ही हो जाएगा। आज आपके ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज अचानक से आपको किसी धार्मिक कार्य में सहयोग देने का अवसर मिलेगा, जिसे करने से आप अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। बच्चे माता पिता के साथ अपने दिल की बात शेयर करेंगे, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान जल्द ही हो जाएगा। जीवन साथी के साथ बाहर पार्क में टहलने का भी मन बनेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आर्थिक तौर पर थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। आज किसी विदेशी कंपनी से आपकी साझेदारी हो सकती है, इसका लाभ आपको आने वाले समय में मिलेगा। आज पड़ोसियों के साथ मिलकर कोई सामाजिक कार्य करेंगे और किसी सामाजिक कार्य में सहयोग भी देंगे, इससे लोगों के बीच आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज किसी रिश्तेदार के घर घूमने जा सकते हैं। पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी। माता पिता के आशीर्वाद से आज जो भी काम शुरू करें उसे जल्द ही पूरा कर लेंगे। कार्य क्षेत्र में तरक्की होना निश्चित है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन पहले से ज्यादा फायदा दिलाने वाला रहेगा। आज बड़ों से प्रेरणा लेकर काम की पहल करने की जरूरत है। अपना आर्थिक लक्ष्य पाने के लिए अपनी रचनात्मक क्षमता काम में लाएंगे तो आपको अच्छा खासा फायदा होगा। कोई भी नया बिजनेस शुरू करने से पहले अनुभवी लोगों से सलाह जरूर ले लीजिए। संयम व धैर्य के साथ अपने काम पर ध्यान लगाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। जीवन में दूसरे लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज का दिन मिलीजुली प्रतिक्रिया वाला रहेगा। आज किसी मेहमान के घर आने का योग है, जिससे आप घर के कामों में थोड़ा बिजी रहेंगे। आज कोई नया बिजनेस शुरू करने से पहले किसी की सलाह जरूर ले लें। लेखकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आपके लेखन कार्य की सराहना बड़े तौर पर होगी। आज के दिन आप किसी नई रचना की शुरुआत भी कर सकते हैं। आज ईमानदार लोगों की सहायता से आप बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को आसानी से निपटा सकते हैं। कष्टों से मुक्ति मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आज ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। आज आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की जरूरत है। बच्चों के स्वास्थ्य में आज थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह से आगे बढ़ने की जरूरत है। आज छात्रों के लिए दिन परिश्रम के अनुरूप नहीं रहेगा। आज बेहतर परिणामों के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। भविष्य में सफलता आपके कदम चूमेगी। लवमेट के लिए आज का दिन खुशियां दिलाने वाला रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन खुशियां लेकर आया है। नौकरी के मामले में आप बेहद व्यावहारिक भी रहेंगे। आप हर समस्या से
आसानी से निपट लेंगे। आपके मन में कोई योजना चल रही है, उससे आपको कोई बड़ा फायदा मिल सकता है। आज आपके ज़्यादातर काम जो अधूरे थे वो पूरे हो जाएंगे। अपने आत्मविश्वास के दम पर सोचे हुए सारे काम पूरे कर सकते हैं और करेंगे भी। कारोबारियों को काम कर के लिए छोटी यात्रा भी करनी पड़ सकती है। न्यायालय के कामों में आज आप सफल रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, दिन बहुत अच्छा बीतेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य लाभ देने वाला रहेगा। आज किसी के मामले में दखल देने से बचें। आज किसी बड़े प्रोजेक्ट में पैसा न लगाएं, आपका लगाया हुआ धन फंस भी सकता है। आज आपका कोई प्रिय दोस्त आपको जो सलाह दे उसे मान लें। किसी भी तरह की परेशानी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज घर में कोई खुशखबरी आ सकती है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर आज थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। बच्चों को सही ढंग से गाइड करने की आवश्यकता है। लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन बहुत ही बढ़िया रहेगा। आज आप सबसे पहले खुद के कामों का निपटारा करेंगे। आपके सभी रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग आपको मिलेगा। आपके कार्य क्षेत्र में आपकी प्रशंसा भी होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज पूरा दिन तरोताजा महसूस करेंगे। प्राइवेट जॉब वालों के लिए आज का दिन प्रमोशन लेकर आ सकता है। आज किसी पर तुरंत भरोसा ना करें, कुछ लोग इसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं। सुख समृद्धि मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आज आपका मन उमंग से भरा रहेगा। हर कोई आपकी राय या बात को ध्यान से सुनेगा। अपने आप को सही साबित करने में आज आपको मुश्किल नहीं होगी। आज कोई जोखिम भरा काम करने से बचें। घर से बाहर निकलते समय सावधानी जरूर बरतें। किसी व्यक्ति विशेष से आज मुलाकात भी कर सकते हैं। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आप संयोगवश किसी काम को पूरा नहीं कर पाए हैं तो आज के दिन उसे पूरा कर लेना ही सही रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आज कोर्ट कचहरी के कामों का निपटारा तुरंत हो जाएगा। किसी सरकारी वकील का सहयोग भी आपको मिलेगा। इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन परिवर्तन करने वाला रहेगा। आज आप जॉब चेंज भी कर सकते हैं। आज माता के स्वास्थ्य में पहले से थोड़ा सुधार आएगा। सही ढंग से नियमित उपचार करने की जरूरत है। आज अपनी आगे की प्लानिंग को लोगों के साथ शेयर करने से बचना होगा। आपकी लव लाइफ अच्छी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज आपका मन सामाजिक कार्यों में अत्यधिक लगेगा। आज विद्यार्थी अपने प्रिय शिक्षकों की मदद से मनपसंद विषय में दाखिला ले सकते हैं। आज का दिन अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ने का है। आज आपको किसी अपने की बात का बुरा लग सकता है। किसी भी ऐसी बात को दिल पर न लें। आज धार्मिक आयोजन में जाने का अवसर आपको मिल सकता है। घर के वृद्ध सदस्यों को अवश्य साथ लेकर जाएं। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज आपका दिन पहले से अच्छा रहेगा। आज जो भी काम शुरू करेंगे वो निश्चित समय पर पूरा होगा। आज करियर से संबंधित नए अवसर आपको मिल सकते हैं। आपकी किसी नए फर्म में नौकरी भी लग सकती है। कॉमर्स के विद्यार्थी आज मार्केट से जुड़े विषयों में दाखिला ले सकते हैं। ऑफिस में बहुत पहले से चल रही समस्या आज समाप्त हो जाएगी। आज आपके बॉस आपको प्रोत्साहित करेंगे। बिजनेस अच्छा चलेगा। धन लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज बंदर को केला दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज जीवन साथी के साथ कुछ मीठा खाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा।
और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक एक वालों हर मामले पर खुले मन से विचार करें, जिससे आपको सफलता जल्दी मिलेगी। मूलांक दो, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, रेड लाइट ग्रीन होने पर ही रोड क्रॉस करें। मूलांक तीन, बुजुर्गों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा, पुराने रोगों से आपको छुटकारा मिलेगा। मूलांक चार, परिवार की उलझनें आज खत्म होंगी, जिससे आपका मन काफी अच्छा रहेगा। मूलांक पांच, आपका भाग्य पूरा साथ देगा, आपके रुके हुए काम आज पूरे होंगे। मूलांक छह, आप जो भी काम करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, आपके लिए आज का दिन अच्छा है। मूलांक सात, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं तो घर वालों की सलाह जरूर ले लें। मूलांक आठ, धर्म के प्रति आज आपकी आस्था बढ़ेगी, कोई धार्मिक बुक पढ़ेंगे। मूलांक नौ, आज आप जितने शांत रहेंगे और तनाव को टालेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र कृष्ण पक्ष की उदया तिथि प्रतिपदा और मंगलवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज दोपहर 2:56 तक रहेगी, उसके बाद द्वितीय तिथि लग जाएगी। आज रात 10:17 तक ध्रुव योग रहेगा। किसी भी स्थिर कार्य जैसे किसी भवन या इमारत आदि का निर्माण करने से ध्रुव योग में सफलता मिलती है। अब देखिए, अगर ध्रुव योग में आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में वो लाकर होली की राख रखते हैं और इससे आपकी बड़ी बेटी को लगातार सफलता मिलती चली जाएगी। जिस काम में वो हाथ डालेगी इस साल, उस काम में उसको सफलता मिलेगी। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ध्रुव योग में कोई भी अस्थिर कार्य जैसे गाड़ी खरीदना, वाहन लेना, जो चीज मूवेबल है वो चीजें लेना इस योग में सही नहीं है। साथ ही आज द्विपुष्कर योग भी रहेगा। माना जाता है कि द्विपुष्कर योग में कोई भी कार्य करने से उस काम को दो बार करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, यानी कि दुगना फल प्राप्त होता है। द्विपुष्कर योग के दौरान की गई कोशिश का फल भी हमें दोगुना होकर प्राप्त होता है। बता दूं कि द्वितीय, सप्तमी या द्वादशी तिथि हो और रविवार, मंगलवार या शनिवार का दिन हो और मृच्छिरा, चित्रा या धनिष्ठा नक्षत्र, इन तीनों में से कोई भी वार, तिथि और नक्षत्र एक साथ पढ़ते हैं तो द्विपुष्कर योग बनता है। आज द्विपुष्कर योग के दौरान मंगलवार का दिन है, द्वितीय तिथि और चित्रा नक्षत्र का संयोग बन रहा है। लिहाजा आज दोपहर 2:56 से शुरू होकर कल के सूर्योदय तक द्विपुष्कर योग रहेगा। तो आप भी द्विपुष्कर योग का लाभ जरूर उठाइए और थोड़ी सी मेहनत करके ही दो गुना फल पाइए। इसके अलावा आज दोपहर 1:34 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। वैसे तो हस्त नक्षत्र की चर्चा हम कल ही कर चुके हैं, फिर भी याद दिला दूं कि आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित होते हैं, उन्हीं में से हस्त 13वां नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में से एक है। इस दौरान किए गए सभी कार्यों का शुभ फल प्राप्त होता है। हस्त नक्षत्र का हस्त अर्थ होता है हाथ, और इसी के अनुसार हस्त नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह हमारी हथेली को माना जाता है, जो कि सीधे तौर पर हमारे भाग्य को दर्शाती है। हस्त नक्षत्र हमारे भाग्य को उज्जवल करने वाला है। हस्त नक्षत्र को हमारे जीवन में परिश्रम करने की क्षमता, विशेष करके हाथ की कला से दिए जाने वाले कार्यों के साथ जोड़कर देखा जाता है। हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं, अतः हस्त नक्षत्र के दौरान चंद्रदेव की उपासना करना लाभदायक सिद्ध होता है। साथ ही हस्त नक्षत्र में भगवान शंकर की भी पूजा की जाती है। इसकी राशि कन्या है और इसका संबंध रीठा के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है, उन लोगों को हस्त नक्षत्र के दौरान रीठा के पेड़ या उससे बनी किसी अन्य चीज को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, न ही उसका उपयोग करना चाहिए, अपितु हस्त नक्षत्र में आपको रीठा के पेड़ की उपासना करनी चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले ध्रुव योग, द्विपुष्कर योग और हस्त नक्षत्र की। याद दिला दूं कि बीते हुए कल हमने बताया था कि बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जिसकी विस्तृत चर्चा हम आज करेंगे। लिहाजा अब हम बात करेंगे बुध के मेष राशि में गोचर के बारे में। याद दिला दूं कि बीती रात 3:06 पर बुध मेष राशि में आ चुके हैं।
1 अप्रैल की रात 9:30 तक मेष राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद वृष राशि में प्रविष्ट हो जाएंगे। आपको बता दूं कि बुध बुद्धि और वाणी के देवता हैं। बिजनेस और वाणी संबंधी कार्यों के लिए जनपत्रिका में बुध का ही आंकलन किया जाता है। अतः आज से 1 अप्रैल तक बुध का आपके बिजनेस पर, आपके कम्युनिकेशन स्किल पर और आपके जीवन पर क्या असर होगा, इस दौरान बुध आपके किस स्थान पर गोचर करेंगे और उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। मेष राशि वालों, बुध आपके पहले यानी लग्न स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जनपत्रिका में लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। बुध के इस गोचर से आपको राजा के समान सुख प्राप्त होगा। आपके पास भौतिक सुख सुविधाएं बनी रहेंगी, साथ ही जीवन में आपको भरपूर यश और सम्मान मिलेगा। इसके अलावा जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे और पैसों के मामले में आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अतः बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आपको हरे रंग के कपड़े पहनना अवॉइड करना चाहिए, साथ ही जितना हो सके हरे रंग की चीजों का दान करना चाहिए। वृष राशि वालों, बुध आपके 12वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जनपत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। बुध के इस गोचर से आपको धन लाभ होगा। इस दौरान आप अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने पर अधिक ध्यान देंगे। पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी, आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। जीवन साथी से आपको सुख की प्राप्ति होगी, लिहाजा बुध के शुभ फलों को बनाए रखने के लिए मंदिर में मिट्टी का घड़ा दान करें। मिथुन राशि वालों, बुध आपके 11वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जनपत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारे आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। बुध के इस गोचर से आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। पैसों के मामले में आपको अपनी मेहनत के बल पर लाभ होगा। आप इस दौरान थोड़े शर्मीले स्वभाव के रहेंगे, लेकिन आप अपने कार्यों को ठीक से पूरा कर लेंगे। इस दौरान आपकी संतान शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहेगी, लिहाजा बुध के शुभ फल पाने के लिए माँ दुर्गा की उपासना करें। कर्क राशि वालों, बुध आपके 10वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जनपत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको किसी चीज के प्रति अधिक लालच हो सकता है, आपको इससे बचना चाहिए। जीभ का स्वाद आपको परेशानी में डाल सकता है। इस दौरान आपको अपने पिता की सेहत का भी पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही 1 अप्रैल तक बुध की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आपको किसी कन्या का आशीर्वाद लेना चाहिए। सिंह राशि वालों, बुध आपके 9वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जनपत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से होता है। बुध के इस गोचर से आपको भाग्य का उतना साथ नहीं मिल पाएगा जितना आपको उम्मीद है। आगे बढ़ने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी होगी। संतान पक्ष के मामले में आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस दौरान किसी से किए गए वायदे को पूरा करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। साथ ही 1 अप्रैल तक बुध के शुभ फल पाने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको हरे रंग की चीजों को उपयोग में लाने से बचना चाहिए। कन्या राशि वालों, बुध आपके 8वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जनपत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से 1 अप्रैल तक आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से आप फिट रहेंगे। आपके बौद्धिक क्षमता मजबूत रहेगी। अतः 1 अप्रैल तक बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौं सह बुधाय नमः बुध के इस मंत्र का जप करना चाहिए। तुला राशि वालों, बुध आपके 7वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जनपत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। बुध के इस गोचर से 1 अप्रैल तक जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मजबूत बने रहेंगे। पैसों के मामले में भी थोड़ी सावधानी रखने से आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहेगी। अतः बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए और जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको मंदिर में भिगोए हुए हरे मूंग का दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, बुध आपके 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जनपत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र,
शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। बुध के इस गोचर से 1 अप्रैल तक आपकी वाणी बहुत ही प्रभावशाली रहेगी। लोग आपकी बातों से इम्प्रेस होंगे और आपके काम में आपकी मदद भी करेंगे। इस दौरान आपके फ्रेंड सर्कल में भी कुछ नए लोग शामिल होंगे। साथ ही इस बीच आप जितना धैर्य बनाकर रखेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। इसके अलावा शिक्षा, लेखन और कृषि क्षेत्र से संबंधित लोगों को लाभ के कई मौके मिलेंगे। आपको बस उन मौकों को पहचानने की जरूरत है। अतः इस स्थिति को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए घर की किसी महिला को हाथ में चांदी का छल्ला पहनना चाहिए। धनु राशि वालों, बुध आपके 5वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारे संतान, बुद्धि, विवेक तथा रोमांस से है। बुध के इस गोचर से 1 अप्रैल तक आप बहुत खुश रहेंगे। लोग आपकी बातों को तरजीह देंगे। आपकी संतान की तरक्की होगी। इस दौरान आपको धन लाभ भी हो सकता है। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। लवमेट की भावनाओं को समझेंगे। अतः 1 अप्रैल तक हर तरह से अपनी वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए गाय को हरा चारा खिलाएं। मकर राशि वालों, बुध आपके 4थे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 4थे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। बुध के इस गोचर से आपको भूमि और वाहन की प्राप्ति होगी। इस दौरान आपको अपनी माता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। आपकी आर्थिक स्थिति भी इस दौरान ज्यादा ठीक नहीं रह सकती है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर संभव हो तो इस दौरान आपको कहीं यात्रा करने से बचना चाहिए। पारिवारिक सुख बनाए रखने के लिए आपको थोड़ी कोशिश करनी होगी। माता का आशीर्वाद लेते रहें। अतः और बुध की अशुभ स्थिति से बचने के लिए मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। कुंभ राशि वालों, बुध आपके 3रे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 3रे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। बुध के इस गोचर से भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। आपको अपने कार्यों में भाई बहनों से पूरा सहयोग मिलेगा। इस दौरान आप दूसरों के सामने अपनी बात को अच्छी तरीके से रख पाएंगे। 1 अप्रैल तक आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। अतः बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए रात को हरे मूंग भिगोकर अगले दिन सुबह जानवरों को खिला दें। मीन राशि वालों, बुध आपके 2रे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 2रे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। पैसों के मामले में आपकी स्थिति ठीक रहेगी। इस दौरान आपकी बौद्धिक क्षमता भी अच्छी रहेगी। आप खुद में मस्त रहने की कोशिश करेंगे और अपनी बोली से सारे कामों को अच्छी तरीके से पूरा कर लेंगे। अतः बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए आपको चांदी की कोई चीज धारण करनी चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज ध्रुव योग, द्विपुष्कर योग, हस्त नक्षत्र और बुध के मेष राशि में गोचर की। आज से 1 अप्रैल तक बुध के मेष राशि में गोचर से विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव होगा, इस दौरान बुध आपके किस स्थान पर गोचर करेंगे, उसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, उसका क्या फल है और क्या उपाय हैं, आज हमने सबकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा, इसका लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो कम मेहनत में आपको अधिक लाभ होने का योग बन रहा है। बी, लवमेट एक दूसरे से फोन पर बात करेंगे, रिश्ते में प्यार बढ़ेगा। सी, घर पर सभी सदस्यों के साथ मूवी देखने का प्लान बनाएंगे, इससे घर के सभी लोगों के बीच मधुरता बढ़ेगी। डी, छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। ई, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, रेड लाइट ग्रीन होने पर भी ही रोड क्रॉस करें। एफ, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले ईश्वर का आशीर्वाद लें। जी, आपको किस्मत का साथ मिलेगा, जो भी करना चाहेंगे वो आज पूरा करके ही मानेंगे। एच, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, नए संबंधों की शुरुआत होगी। आई, चारों ओर होने वाली गतिविधियों पर नजर बनाए रखें, कुछ सुनहरा मौका सामने आ सकता है। जे, किसी की आर्थिक मदद आप कर सकते हैं जिससे आपके मन को संतुष्टि मिलेगी। के, आपके स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट हो सकती है, समय निकालकर
आराम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। एल, छोटे बच्चों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा, साथ ही उनका प्यार मिलेगा। एम, आपके पति छोटे मोटे मतभेद उभर सकते हैं, आपको इनसे बचकर रहने की जरूरत है। एन, कारोबार में नई योजनाओं को लागू करने से आपको फायदा ही फायदा होगा। ओ, आपके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, आपके कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। पी, आज का वातावरण आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतरीन होगा। क्यू, आपको आज किसी काम में कोई फैसला लेना पड़ सकता है जिससे आप थोड़ा विचलित रहेंगे। आर, आपका मन आध्यात्मिक जगहों पर रहेगा। एस, करियर में कुछ बदलाव होने की संभावना बन रही है। टी, आज का दिन घरेलू कामकाज में बीतेगा, शाम तक आपके तमाम काम पूरे हो जाएंगे। यू, अपनी आदतों में सुधार लाने की कोशिश करें। वी, पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आएगी, जीवन साथी के साथ तालमेल बना रहेगा। डब्ल्यू, आज का दिन आपके लिए सुहावना रहेगा, अचानक आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। एक्स, कोई काम पूरा न होने से आपका मन अशांत रहेगा। वाई, प्रोफेशनली आज आपका दिन बेहतरीन होगा, साथ ही आपका मन पूरे दिन प्रसन्न बना रहेगा। जेड, किसी नए काम को पूरा करने में कोई परेशानी आ रही है तो वो परेशानी आज दूर होगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं बेदी हनुमान मंदिर के दर्शन। ये मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को समुद्र को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया था, लेकिन हनुमान जी ने बार बार भगवान जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलराम जी के दर्शन की लालसा लिए बार बार नगर में आ जाते थे और उनके पीछे पीछे समुद्र भी नगर में प्रवेश कर जाता था। हनुमान जी की सियादत को देखकर जगन्नाथ जी ने उन्हें सोने की बेड़ी से बांध दिया। तभी से बेड़ी हनुमान जी यहाँ विराजमान हैं। तो आप भी कीजिए पवित्र बेड़ी हनुमान जी के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे आपके होठों के बारे में। जिस प्रकार आपके चेहरे पर स्थित आंख, नाक, कान आदि का महत्व है, उसी प्रकार हमारे होठों का भी महत्व होता है। होठ शब्दों को बोलने में हमारी मदद करते हैं और हमारे चेहरे की सुंदरता को बढ़ाते हैं। साथ ही सामुद्रिक शास्त्र में भी हमारे शरीर के अन्य अंगों की तरह होठों का भी महत्व है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार होठों की बनावट से मनुष्य की प्रकृति, उसके गुण और दोष की जानकारी मिलती है। होठों की बनावट, आकार, रंग और स्वरूप से मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व की पहचान होती है। अच्छी प्रकार के होठ मनुष्य के विकसित स्वरूप, अच्छे स्वभाव और जीवन में उसकी ऊंचाई के प्रतीक होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के होठ समरूप यानी एक जैसे और सुंदर हों तो वो व्यक्ति विद्वान और प्रतिभाशाली होता है। किंतु यदि होठ बहुत अधिक स्थूल यानी मोटे हों तो व्यक्ति मोटा, कामुक स्वभाव वाला, कभी कभी मूर्ख प्रकृति का लेकिन परिश्रमी होता है। कुल मिला के आपके होठों से आपके मनोभावों को, आपके विचारों को पढ़ा जा सकता है। होठों के बारे में ही हम कल आगे की चर्चा भी करेंगे। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 26 मार्च को प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। प्रतिपदा तिथि आज दोपहर 2:56 तक रहेगी, उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी जो कल शाम 5:07 तक रहेगी। द्वितीया तिथि में बैंगन का सेवन निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पश्चिम। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज कोई भी पौधा लगाएं, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।